हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई हो आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज मॉर्निंग में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आज के दिन, क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में, उनको अपने मन में रखें। सभी साइंस वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है? आज मॉर्निंग में क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। किसी तरह का एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं या एरीज हो सकते हैं। स्पेशली सेवन नंबर आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर किसी तरह का एक्शन लेने की तैयारी में है, ठीक है? आपसे, आपके लाइफ में आ सकते हैं या आपसे कुछ एक्सपेक्ट करना, आपसे कुछ चाहना, डिजायर्सफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ना थोड़े से आपके पार्टनर सेल्फिश एनर्जी में दिखाई दिए हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का झूठ, मुझे फरेब, मुझे कुछ चीटिंग दिखाई दे रहा है, और देखते हैं, ठीक है? क्या है आखिर आपके पार्टनर की एनर्जी? ब्लाइंड फोल्ड मत कीजिएगा इन पर, ठीक है? आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी इनको लेकर डाउटफुल एनर्जी में हो, या मुझे ऐसा लग रहा है ना आप काफ़ी इनोसेंट हो, मुझे आपकी एनर्जी ऐसा फील हो रही है कि आप काफ़ी इनोसेंट हो, ठीक है? आप स्टार हो सकते हो, सोशल मीडिया स्टार हो सकते हो, ये स्टार आप बनने वाले हो, ठीक है? तो कोई ऐसे व्यक्ति आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं जो झूठ हो सकते हैं, फरेबी हो सकते हैं, चीटर हो सकते हैं, ये कुछ और दिखाए आपको, कुछ और बोले, जबकि सच्चाई कुछ और हो, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ये आपके पार्टनर नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों लव रिलेशनशिप में हो, पर कोई व्यक्ति, किसी का मैसेज यही आ रहा है आपके लिए, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में जल्द ही एंट्री करने वाले हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं। उस व्यक्ति का काफ़ी कुछ प्लान है आपको लेकर, पर थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है अपनी लाइफ को लेकर। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, स्ट्रिक्ट रहिए, और लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन रखिए, ठीक है? एक लिमिट है कि किसको अपने लाइफ में अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, और कितना तक क्या सीमित रखना है, ठीक है? आप समझ रहे हो मैं क्या यहाँ पर कह रही हूँ? आपको एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है, कि इससे आगे नहीं बढ़ सकता कोई, या इससे आगे मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल रहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, और ब्लाइंडफोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। यूनिवर्स बताए मुझे इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज मॉर्निंग में, और क्या कुछ सोच रहे हैं इनके पार्टनर। जैसे कि मैंने कहा, कोई जल्द ही, आज हो सकता है या 11 डेज के अंदर हो सकता है, 21 दिनों के अंदर हो सकता है, ये व्यक्ति आपके लाइफ में ज़रूर से एंट्री करेंगे। मुझे बहुत जल्द दिखाई दे रहा है, कुछ ही वीक्स में या कुछ ही घंटों में कोई बात कर रहा है आपसे। कोई पास्ट के हो सकते हैं, अगर ये पास्ट के हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको चीट किया है, दर्द दिया है, तो अवेयर रहें इनसे, ठीक है? क्योंकि ये अपनी पूरी तैयारी में है, आपको अपने लपेटे में ले लेंगे, यानी कि अपने झांसे में लेना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मीठी मीठी बातों में, या आपको नहीं आना है, ठीक है? आसानी से भरोसा नहीं करना है किसी पर। आप किसी को बहुत प्यार करते हो, आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है, आपका सच्चा प्यार है, आप दोनों के बीच इक्वल लव है, सेम फीलिंग्स है दोनों के साइड से, आपने बहुत कुछ सोच रखा है, आप सिर्फ उनके बारे में सोचते हो, आप उनके अलावा किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, तरह तरह का आपकी एनर्जी
आपकी फीलिंग्स काफ़ी हाई हो सकता है इस व्यक्ति के लिए जो आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आप खुद को अलोन पाते हो इनके बिना, आपको पेन होता है, दर्द होता है, आपने काफ़ी दर्द देखा है और आपको ऐसा लगता है कि ये हीलर है, ये आपके ज़िंदगी का प्यार है, पर ये कुछ और ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अवेयर रहना है, आपके लिए यही मैसेज आ रहा है शुरुआत से। और देखते हैं, इनके बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी तरह का, ठीक है। किसी को प्यार करने में, फ्रेंडशिप करने में, दिल देने में या लेने में जल्दबाजी नहीं करना आपको किसी तरह का। और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, और क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? कई लोगों के लिए कमिटमेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर ऐसा है कि अगर आपने फील किया है कि यहाँ पर इक्वल लव है, ये इनके एक्शंस में, आपको एक्शंस देखने हैं आपके पार्टनर का, उनकी बातों पर भरोसा नहीं, उनका एक्शंस पर भरोसा कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर के एक्शंस में, बिहेवियर में, उनकी हरकतों में आपने देखा है कि ये व्यक्ति आपका सोलमेट है या सच में आपसे प्यार करते हैं जितना आप करते हो, ये डेडिकेटेड है आपको लेकर, ये सीरियस है आपको लेकर, तो इनके साइड से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। वो कमिटमेंट मैरिज का हो सकता है, ठीक है। या जिनसे आपकी शादी होगी वो पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री कर रहे हैं, जल्दी आप उनसे मीटिंग करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, तो मुझे कमिटमेंट मिलते हुए दिखाई दे रहा है या प्रोग्रेस हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, मीटिंग होना आप दोनों का, कम्युनिकेशन होना, कम्युनिकेशन काफ़ी सही होना, और रोमांटिक मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर एफर्ट्स कर रहे हैं आपके लिए, कुछ कर रहे हैं, आपसे मीटिंग करने की कोशिश करना, बात करना। मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है जो ब्लॉकेजेस है, जो भी है आप दोनों के बीच चीज़ें, उसको सही करने की कोशिश करना, ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपके कास्ट के हों, आपके रिलीजन के हों, ये आउट ऑफ रिलीजन या कास्ट के हो सकते हैं, ठीक है। पर ये आपको फैमिली प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये आपका ट्रू लव है? कई लोग फिर कहेंगे कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपने अभी अभी कहा कि ये चीटर है, फरेबी है, और आप अभी कह रहे हो कि ये आपका सोलमेट है, ट्रू लव है, ये आपको फैमिली प्रोवाइड करेंगे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा आप कई लोग का होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ, इनके एक्शंस में आपको नज़र आ जाएगी कि ये आपके सच में प्यार है या ये चीटर हैं, क्योंकि ना इनके एक्शंस में आपको दिखने लगेगा कि ये सच में आपको लेकर सीरियस हैं कि नहीं, आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ये ऑनेस्ट हैं कि नहीं, इनके एक्शंस में आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको अपने फैमिली से मीटिंग कराना या आपके फैमिली से मीटिंग करना या ना सही करने की कोशिश करना, आपको दिखने लगेगा इनके एक्शंस में, इनकी बातों में नहीं, क्योंकि जो झूठा होगा, फरेब होगा, वो आपको थोड़े टाइम के लिए कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये मेरा लव है कि क्या है, ये राइट है आपके लिए या रॉन्ग है। इनके एक्शंस आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है? इनके एक्शंस है, ठीक है, इनके एक्शंस है। कई लोगों के लिए आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके साथ बेबी हो सकता है, या तो इनके साथ आपका फ्यूचर है। अगर अभी तक आप इनसे नहीं मिले हो, आप अनमैरिड हो, तो अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, ये आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। पर वहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसा आ रहा है कि कोई चीटर होंगे आपकी लाइफ में, या तो एंट्री करने की कोशिश करेंगे, या तो कोई पास्ट से हो सकते हैं, तो आपको अवेयर रहना है, ठीक है। इनका एक्शंस देखना है, इनके एक्शंस में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आपका ट्रू लव होगा ना, वो आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस करेंगे जो कि आपके प्रति होगा, ठीक है। ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ये अपने एक्शंस को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर ये इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये हर तरह से इंडिपेंडेंट होंगे और ये आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी पॉजिटिविटी या जो आप में एनर्जी है
ये व्यक्ति ऐसा लगेगा कि आपके साथ वर्ल्ड है, आपके साथ दुनिया है, आपके साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है, आप वही हो जिसके इनको तलाश थी अभी तक। ठीक है, ये काफ़ी वैल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या कई लोगों के लिए छोटे। अगर आप एक मेल हो तो ऐसा लग रहा है कि आप उनसे पहले अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आपकी नज़रों में कोई आने वाला है, कोई इंडिपेंडेंट ब्यूटीफुल पर्सन जो जिनका नेचर काफ़ी खूबसूरत होगा। ठीक है, तो आप उनसे अट्रैक्ट होंगे, और अगर आप फीमेल हो तो कोई आपसे अट्रैक्ट होने वाला है। ठीक है, कोई आपकी ओर पहले बढ़ेगा, और अगर आप एक मेल हो तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की ओर अट्रैक्ट होंगे या अपने सोलमेट की ओर। ठीक है, और देखते हैं आज के दिन इनका प्लान क्या है। जिनके लिए एनर्जी आ रहा है, आपके लिए मैसेज आ रहे हैं इनके साइड से, तो ये व्यक्ति, इनका एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, आपके इस पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, आज के दिन क्या एक्शन ले सकते हैं ये। आपको प्रपोज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, आपको प्रपोज करना, आपकी ओर एक्शन लेना, अपना इमोशंस शो करना, आपको ऑफर करना किसी तरह का, या रोमांस लाना, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन लाना, चीज़ें आगे बढ़ाना, कुछ नयापन लाना, कुछ नया करना। ठीक है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इनका एक्शन, ऐसा हो सकता है आपके लिए। ये कैंसर स्कॉर्पियो पैसेस हो सकते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आपको लाना। मुझे ना न्यू प्रपोजल दिखाई दे रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ये जो प्रपोजल है न्यू प्रपोजल है, आप कन्फ्यूज हो सकते हो, आपके पास ऑफर आ रही है, काफ़ी सारे ऑफर आ रही है, एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं प्रपोज कर रहे हैं आपको, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो। फिर से कहूँगी, एक्शंस देखना है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जितना भी प्रपोजल आ रहे हैं, उनके एक्शंस देखिए, क्योंकि जो ट्रू लव होगा आपका, उनके एक्शंस में ही आपको दिखाई देने लगेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, कि वो राइट है या रॉन्ग। ठीक है, उनके एक्शंस है। ओके, जल्द ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या आपकी वाइफ, आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे गुड न्यूज़ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में आते हुए, गुड न्यूज़, आप फादर या मदर बनने वाले हो। ठीक है, या तो बनने वाले हो आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ठीक है, जल्दी आपकी शादी हो सकती है, या तो ऑलरेडी आप मैरिड हो, तो यूनियन में आओगे आपके पार्टनर के साथ, आपके लवर के साथ, ऑलरेडी यूनियन में हो तो रोमांस बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, कुछ नया हो रहा है। ठीक है, आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है, वाओ, 10 वीक्स के अंदर, या अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, अक्टूबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आने वाला जो 3 मंथ्स है, 3 to 4 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको। ठीक है, कोई आपको प्रिंस प्रिंसेस या क्वीन किंग की तरह ट्रीट करने वाला है, करेगा, या कोई आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। कोई आपके साथ बेबी चाहते हैं, फ्यूचर देख रहे हैं। आज के दिन क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, क्या कुछ हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच, क्या चांसेस है होने का आज के दिन। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए बर्डन सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जो सिचुएशन है थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल हालात है आप दोनों के बीच। ऐसा हो सकता है कि उनका फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर है, या तो आपका, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, कोई काफ़ी बिजी है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, या तो आप बिजी हो या तो आपके पार्टनर बिजी हैं, पर आपके पास जल्द ही ऑफर आ रहा है। ठीक है,
जो आपको चाहेंगे ना, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, वो किसी भी हाल में आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। और क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का? ऐसा लग रहा है चीजें आगे तो बढ़ रहा है पर धीरे धीरे, और धीरे धीरे ही आगे बढ़े तो सही है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ आप ले सुन लोगे। और इस बीच ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बैलेंस बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है करियर और रिलेशनशिप में, या आपके पार्टनर के लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे में बैलेंस होगी, डोंट वरी। और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन आप दोनों के बीच? किसी का नजर तो है आप पर और वो एक्शन लेने की तैयारी में है, ठीक है, वो कैरियर से हो सकते हैं या जहाँ पर आपका कैरियर है, आप वर्क करते हो वहाँ से कोई आपको देख रहे हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या तो आप इनके बॉस हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी वेल्दी पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, या काफ़ी मैच्योर है। और क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का? क्या कुछ हो सकता है? ओके, मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, इमोशंस दिखाई दे रहा है, आपको ऑफर मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, ठीक है, गिफ्ट मिल सकता है, आपके पार्टनर आपके पीछे किसी को लगा सकते हैं, या किसी के थ्रू आपको गिफ्ट देना, आपकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको जेज करना, आपको काफी स्पेशल फील कराना। और अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही है आपका, तो आपका वो पार्टनर खुद को अलोन फील कर रहा है। अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, आप सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से करेंटली, तो कोई खुद को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहा है आपके बिना। अगर आपने किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा है, खुद को चूज़ किया है, अगर आज आपका एक्शंस राइट है, आप राइट पाथ पर हो, तो कोई अफसोस कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपके लिए तड़प रहा है, रो रहा है, वो अकेला है या अकेली है, ठीक है। और क्या कुछ हो सकता है आज के दिन? यूनिवर्स बताए मुझे, और क्या कुछ चांसेस है इनके बीच होने का? जैसे कि मैंने कहा, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, या आप किसी को मिस करोगे, आप किसी को मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कुछ चांसेस है आप दोनों के बीच होने का? और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए यूनिवर्स के साइड से? ओके, रोमांटिक मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मैजिकल मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है। कुछ नया हो रहा है आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, अचानक से आपके पार्टनर आपके सामने आ गए, आपसे बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कई लोग आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सभी साइंस मुझे दिखाई दिया है आपके लिए, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर या 3 नंबर, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर देखिए कपल आया है और वर्ल्ड है, तो ये आपके ट्रू लवर हैं, इनके साथ आगे आपका बढ़ना ही है, ठीक है, कंप्लीशन आपका होकर रहेगा। अगर आज से प्रेशर में हो तो हो जाएगी, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी कर्मा पर फोकस कीजिए, राइट कर्म रखिए अपना, ठीक है। आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, राइट पाथ पर हो, आपका एक्शंस राइट है, तो आप राइट पार्टनर को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, डोंट वरी, ठीक है। कोई चीज़ अब आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, आपके आपके हार्ट के साथ, आपके इमोशंस के साथ, ठीक है, डोंट वरी। अगर आप में मैच्योरिटी है, बिल्कुल आप मैच्योर हो, तो आप जान जाओगे कि ये कौन है आपके, ये राइट है या रॉन्ग है, आपको पता चल जाएगी।
ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप अपना।